हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जो हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। रिक्त पदों की सूची अपडेट करने की मांग, तो यह TGT PGT की जो खाली रह गई हैं सीटें उस सूची को अपडेट करने की मांग अभ्यर्थियों ने उठाई है। TGT PGT के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों की सूची अपडेट करने की मांग की है। मंगलवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को उन्होंने मांग पत्र सौंपा है, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक को मांग पत्र भी सौंप दिया है। TGT PGT 2021 के अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव से मिला। अभ्यर्थियों ने बताया कि विधान परिषद सदस्य सुरेश त्रिपाठी द्वारा मांगे जाने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने TGT PGT के रिक्त पदों की जो सूची दी है वह विसंगति है। तो अभी दो दिन पहले जो रिक्त पदों की TGT PGT की बचे हुए की सीटें पता चली हैं वह उनका कहना है कि उसमें विसंगति है। और निदेशालय ने बताया है कि TGT के 1404 और PGT के 219 पद रिक्त हैं। इसके साथ 12 जिलों में रिक्त पदों की संख्या शून्य बताई गई है, जबकि वहाँ के लिए चयनित कई अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो यह ज्वाइन नहीं किया है इन 12 जिलों में, तो अभ्यर्थियों को तो इसकी सूचना रहती है क्योंकि वह कहीं ना कहीं से इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अपर शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया कि अभ्यर्थीवार सूची को अपडेट कराया जाएगा और इस मौके पर धर्मेंद्र पांडे, संदीप सिंह, रजनीश आदि सभी अभ्यर्थी मौजूद थे। तो जो सूची दिखाई गई है उसको अपडेट करने की मांग TGT PGT के जो वेटिंग लिस्ट वाले छात्र हैं वह उठा रहे हैं। अगला प्रमुख न्यूज तदर्थ शिक्षकों से संबंधित है कि रिटायरमेंट की दहलीज पर छिन गई 24 शिक्षकों की नौकरी और फूट फूट कर रो रहे हैं तदर्थ शिक्षक। बोले, सोचा नहीं था कि ऐसे होगी विदाई। तो इस तरह से जो तदर्थ शिक्षकों के वेतन रोक दी गई है उसके बाद उनकी स्थिति काफ़ी निराशाजनक हो गई है। यह कानपुर का है मैटर। 20 से 25 साल की नौकरी और जब रिटायरमेंट की दहलीज आई तो नौकरी छिन गई, न तो PF का सहारा और न ही पेंशन का। बुढ़ापे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी यही तनाव है। एक दो नहीं बल्कि कानपुर के ऐसे 24 तदर्थ शिक्षकों के सिर पर आफत टूट पड़ी है। फूट फूट कर रो रहे हैं कि सोचा न था कि ऐसे विदाई हो। इसमें 1132 तदर्थ शिक्षकों की नौकरी चली गई जो वर्ष 2000 से पहले या बाद में विनियमित रेगुलर नहीं हो पाए थे। शहर के 12 ऐसे तदर्थ शिक्षक भी हैं जो रेगुलर होने की आस में रिटायर हो गए और उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। कभी प्रबंधक अपने स्तर से नियुक्तियां कर DIS से अनुमोदन करा लिया करते थे। 1991 और 98 में दो बार ऐसे शिक्षकों का विनियमितीकरण कर दिया गया। इसके बाद तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। तो दो बार इनका विनियमितीकरण किया गया है और उसके बाद इन पर रोक लगा दी गई। 24 ऐसे तदर्थ शिक्षक जिन्हें वेतन नहीं मिलेगा, केवल एक शिक्षक परीक्षा में बैठ सके और भारांक के आधार पर उनका चयन हो गया, बाकी फेल हो गए हैं। जिन शिक्षकों का वेतन रोका गया है सभी की नौकरी के 4 से 5 साल बचे हैं। शहर के 12 ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं। आस थी कि देर सवेर रेगुलर हो जाएंगे और इनकी पेंशन बन जाएगी, पर यह आस भी टूट गई है और अब जो है राहत की कोई संभावना भी दिख नहीं रही है। माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हरीश चंद्र दीक्षित ने बताया कि शिक्षा निदेशक के आदेश में स्पष्ट है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पूर्व या बाद में कार्यरत शिक्षक जो कोर्ट के अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे थे, विनियमितीकरण के संबंध में परीक्षण के बाद प्रकरण पर वित्त विभाग एवं न्याय विभाग की सहमति नहीं है। तो इस तरह से यह कोर्ट के आदेश के अनुसार ही अब इनका वेतन जो है वह रोक दिया गया है, जो काफ़ी तदर्थ शिक्षकों के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए।